हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कोरोना से डर लगता है या किसी भी बीमारी से डर लगता है या किसी भी तरह का अगर आपके मन में डर है तो उसको हम लोग हमेशा के लिए कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आज का टॉपिक इसी बारे में है। मैं विवेक राठौर, ऑथर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट। आज के टॉपिक की शुरुआत मैं एक रियल स्टोरी से करना चाहूँगा। पिछली सेंचुरी में एक पर्सन हुए जिनका नाम था रस्पुतिन। उनकी जो शक्ति थी, उनकी जो ताकत थी, पिछले 100 सालों में अगर कोई एक पर्सन जो बहुत सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहा होगा तो उसमें से एक पर्सन है रस्पुतिन। उनके लाइफ की कुछ घटनाओं को मैं आपको शेयर करूँगा जो आपको सुन के विश्वास नहीं होगा लेकिन जो सच है, ऑन रिकॉर्ड है, और कैसे उस शक्ति को उन्होंने अक्वायर किया और कैसे इस शक्ति को समझ के आप अपनी ताकत को 1000 गुना बढ़ा सकते हैं और अपने हर तरह के डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस चीज़ को गलत इंटेंशन से यूज़ नहीं करना है, उसमें आपका ही नुकसान है। हम बात कर रहे थे रस्पुतिन की। ये रशिया में हुआ करते थे अब से अराउंड 100 साल पहले। इनके लाइफ के 3 इंसिडेंट मैं आपको शेयर करता हूँ। इनको उतना जहर पिलाया गया जितने जहर से 500 लोगों की मृत्यु हो सकती थी, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इनके ऊपर इनको गोली से मारने की कोशिश की गई लेकिन फिर भी ये उठ खड़े हुए। फिर उसके बाद इनको मारने के लिए इनको एक पत्थर से बांधा गया और फिर इनको एक नदी में डाल दिया गया। और जो रिपोर्ट आई उसमें ये आया कि तब भी नहीं मरे, ये अपने आप को उस रस्सी से, जिस रस्सी से बांधा गया था, जिस सीकर से बांधा गया था, उससे भी खोलने में कामयाब रहे थे और 2 घंटे बाद इनकी डेथ हुई थी। तो कोई पर्सन में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि वो इतने जहर पी जाए जिसमें 500 लोगों की मृत्यु हो सकती है और उसको पता भी नहीं चला। गोली मारी गई फिर भी बच गया। उसके बाद जो एक और तरीके से कोशिश किया गया तब जाके किसी तरीके से मरा। तो क्या हम भी अपने अंदर इतनी शक्ति जागृत कर सकते हैं? और अगर एक हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में, हमारे मन में इतनी ताकत है तो फिर हमें कोरोना से या किसी भी बीमारी से डरने की क्या ज़रूरत है? अब मैं आपको वो सीक्रेट, आपको मैं वो शेयर करूँगा, वो फॉर्मूला शेयर करूँगा कि कैसे आप अपनी शक्ति को इतना बढ़ा सकते हैं और कैसे हर तरह के डर को छूमंतर कर सकते हैं। अब मैं आपको 3 सिद्धांत बताऊंगा जिसको फॉलो करके, प्रैक्टिस करके आप अपनी ताकत को 1000 गुना बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, अगर आप अपने ध्यान को किसी एक चीज़ पे एकाग्र कर लो लंबे समय तक तो इससे आपकी जो शक्ति है वो जागृत हो जाती है। किसी भी एक चीज़ पे अगर आप लंबे समय तक अगर अपने पूरे ध्यान को अगर आप एकाग्र कर पाओ तो आपकी जो पावर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, आपकी मर्जी के बिना आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप इस माइंडसेट को फॉलो करते हो, इस मन स्थिति को फॉलो करते हो तो आपके ऊपर कोई चीज़ डोमिनेट नहीं करेगी। यही कारण था कि रस्पुतिन के ऊपर कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती थी। उसने जहर पिया लेकिन उसके माइंड ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो उसके बॉडी पे उसका इम्पैक्ट ही नहीं आया। अगर आप किसी भी सिचुएशन पे अपनी थॉट को आप अगर चूज़ कर पाते हैं कि नहीं मुझे तो यही सोचना है तो आपकी वो जो थॉट है वही डोमिनेट करेगी। आपके बॉडी के अंदर की सिचुएशन कुछ भी हो, ये सुन के यकीन करना मुश्किल है लेकिन यही सच है जो कि रस्पुतिन ने डेमॉन्स्ट्रेट भी किया। नंबर 3, आप अपनी शक्ति को पावर ऑफ इंटेंशन से और किसी भी पॉजिटिव एनर्जी के सोर्स पे फोकस करके, एकाग्र करके अपनी पावर को कितना भी आप बढ़ा सकते हो। अब देखिए, पावर उसी की बढ़ती है, पावर वही बढ़ा पाता है जो एक गोल निश्चित करता है, जो उसको अलाइन करता है, जिसकी लाइफ में कोई पर्पस होगा वही इतने पावर को एक्टिवेट कर पाता है, अपने पावर को इतना एक्सपेंड कर पाता है। आप सोचें कि आप बस इसको टेस्ट करना चाहते हैं इसलिए करें, आप उसको अपनी पावर को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उन सब केसेस में ये शायद वर्क ना करे। अब हम बात करेंगे कि कैसे अपने डर को
ख़त्म करें। अगर आपको न्यूज़ देख के किसी भी सोर्स से किसी भी रीज़न से अगर आपको डर लग रहा है, आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो उसको कैसे जड़ से ख़त्म करें, उसके लिए एक 4 स्टेप का सिंपल सा प्रोसेस है, एक थिंकिंग स्टेज है जो आपको फॉलो करना है। नंबर 1, सबसे पहले अपने मन, अपने मस्तिष्क, अपने शरीर की ताकत को समझिए। जो ताकत रस्पुतीन में थी वही ताकत आप में भी है और इस ताकत के ऊपर कोई बीमारी हावी नहीं हो सकती है। प्रिंसिपल ध्यान रखिए कि आपके साथ आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखिए। सो सबसे पहले आप यही समझिए। नंबर 2, अपना ध्यान खुद को कमज़ोर करने वाली न्यूज़ पे, खबरों पे, इन्फॉर्मेशन पे कभी अपना ध्यान उधर ना ले जाएं। लेकिन आपको डरना भी नहीं है ऐसी चीज़ों से, लेकिन आपको उन ऐसे सोर्सेज को अवॉइड करना है, क्योंकि बार बार अगर आपके माइंड में कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी तो वो आपके सबकॉन्शियस में जाती है, फिर वो आपको उसकी वजह से आपको डर लगता है। कभी भी आपको डर बाहर की इन्फॉर्मेशन या बाहर की बातों की वजह से नहीं लगता है, आपको डर लगता है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ बैठी है जो आपको कमज़ोर करती है। तो ऐसी किसी भी खबर को ना सुने, अवॉइड करें आप। नंबर 3, जो भी कुछ लोग होते हैं उनका माइंडसेट डरने वाला होता है, तो जो भी डरने वाले लोग हैं, जो भी नेगेटिव बातें करने वाले लोग हैं, उनसे आप दूरी बना के रखें, क्योंकि अगर आप उनसे बातें करेंगे तो उनकी बातें आपके माइंड में जाके आपको डिस्टर्ब करेंगी। एंड नंबर 4, आप सीधी बातों में यकीन करिए। सीधी बातों का क्या मतलब है? सीधी बातों का ये मतलब है कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी होती है, अगर वो डायग्नोज होती है तो उसकी दवा है, आप वो दवा लेंगे और ठीक हो जाएंगे। एक सिंपल से प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले आपको बीमारी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप उधर अपना ध्यान ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी बाई चांस किसी भी रीज़न से, जो क्योंकि देखिए बीमारी एक जैसे इंसानों को बीमारी होना कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, हम बीमार होते हैं, ठीक होते हैं, दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। तो एक सिंपल प्रोसेस को समझिए कि अगर बीमारी होती है तो हम उसका पता लगाएंगे, जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी उसका वो तरीका है सिम्टम्स है, जैसे भी अगर उसकी दवा लेंगे और ठीक हो जाएंगे। सो इन सब बातों को ध्यान रखिए, अपने आप को पॉजिटिव स्टेट में रखिए, अपने आप को खुश रखिए, खुशी का रीज़न ढूंढिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को यहाँ तक देखा आपने, बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप हमारे लाइव सेशन को अटेंड करना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक दिया गया, हमारी कम्युनिटी के मेंबर बनिए और हम लोग आप हमारे लाइव सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।